नमस्कार, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के साक्षी आमबगान मैदान में ऑल इंडिया एकता मूवमेंट कमेटी द्वारा ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कौमी एकता की मिसाल देखने को नजर आई। जहां सर्व समाज के लोगों को बुलाया गया, वहीं झारखंड इंचार्ज काशिफ रजा सिद्दीकी ने कहा कि शहर में इस ईद मिलन कार्यक्रम के द्वारा सौहार्द की भावना हमेशा बनी रहे, भाईचारा, प्रेम भाव, सद्भावना का माहौल हमेशा बरकरार रहे। वहीं कार्यक्रम में सर्व समाज के लोग थे उपस्थित। हम लोग इस बार भी ऑल इंडिया एकता मूवमेंट की जानिब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि इंडिया में जितने लोग रहते हैं, जमशेदपुर में जितने लोग रहते हैं, वो सारे लोग एक पटल पे जमा हो, एक जगह पे जमा हो और ईद की खुशियाँ मनाएं। ईद का पैगाम यह है कि जितने भी इस देश के रहने वाले लोग, उनका आपसी भाईचारा, मोहब्बत कायम हो, ये पैगाम देने के हम प्रोग्राम हमेशा करते हैं। ये जो काशिफ रजा सिद्दीकी जो हमारे भाई है, ये हर साल जो ईद के समारोह या ईद मिलन या इफ्तार पार्टी जो करते हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि सभी धर्मों को एक साथ एक बंधन में बांध के रखना, ताकि जो बुरे लोग हैं वो कभी भी हमको तोड़ ना सके, उस बंधन को तोड़ ना सके। यही मैसेज के लिए वो काम करते हैं और वाहिगुरु करे, अल्लाह करे कि उनका ये काम जो है, ये सोच है जो, ये कामयाब रहे हमें। ये जो ईद मिलन हो रहा है काशिफ जी के माध्यम से, ऑल इंडिया एकता मूवीज़ जो कमेटी है उनके माध्यम से, ये मतलब एक बहुत अच्छा मतलब भाईचारा, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय है, भाईचारा का परिचय है। और हम लोग भी सभी तरह के मतलब त्यौहार में मिलजुल के मनाते हैं और यह बहुत अच्छा है कि मतलब एक तरह से सभी धर्म, सभी समाज के लोग को एक मंच पे लाने का प्रयास किया जा रहा है और इससे एक समाज को एक नया ऊर्जा और नया बल देने का काम किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो एक एकता की जो मूवमेंट है, यहाँ पे कुछ जो बहुत सारे वैसे लोग हैं जो यहाँ की जो हम लोग शुरू से मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हम लोग सब एकजुट होके आए हैं, सबका पर्व हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, एक बहुत अच्छा ये इन लोगों का जो काशिफ जी है, बहुत अच्छा इन्होंने पहल किया है एकजुट होने का। और वास्तव में हम लोग एकजुट हैं और ये एक संकेत जाएगा कि आदिवासी लोग, झारखंडी लोग, मुस्लिम लोग, हिंदू लोग सब एकजुट है और एक दूसरे का पर्व मनाते हैं। ये काफ़ी अच्छा है और हम लोग बस आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का सब सम्मान। और यही सम्मान हम लोग जब काशिफ जी हमारे आदिवासी समाज में जाते हैं या कोई भी जो जाते हैं हमारे लोग जो अलग समुदाय से, हम लोग को भी ऐसे ही आदिवासी संस्कृति उनका हम लोग स्वागत है। ईद एक मोहब्बत, अमन, भाईचारगी का त्यौहार है और पूरे भारत में ये ईद के बाद ये सिलसिला चलता रहता है कि आपस में अगर मौका नहीं मिलता है तो ईद के बाद भी कई दिनों तक तमाम धर्म के लोगों को, अपने दोस्तों को, बल्कि धर्म की बात करना भी यहाँ पर कोई माना नहीं रखता है, अपने दोस्तों, अपने अहबाब, अपने सर्कल, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो, उसको आपस में मिल कर के, गले लग कर के, दूसरे को मुबारकबाद दे करके एक पैगाम दिया जाता है कि ये देश जो है गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है और ये इस देश की यही खूबसूरती है कि एक दूसरे की खुशियों में हम शरीक होते हैं, एक दूसरे की खुशियों में हम दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये जो ईद मिलन की तकरीब रखी गई तो इसका मकसद भी यही था कि एक अमन, भाईचारगी, इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम हो,